हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैथमेटिक्स का बहुत ही धातु टिप लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं बताने वाला हूँ किसी भी नंबर, एनीवन कोई भी नंबर हो, उस नंबर का इस बार रूट इस बार कैसे फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कुछ नंबर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस नंबर के इस बार हमें फाइंड करने हैं। देखिए नंबर, इस सारे नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करने हैं, तो उसके लिए क्या करना है हमें, जैसे ये 47 है, 47 में आप 7 का स्क्वायर जानते हैं 49 होता है, और आप 4 का स्क्वायर भी जानते हैं 16 होता है। इन सब के साथ फिर उसके बाद क्या करना है आपको, किस नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 47 जा 28, 28 टू जा 56, इसको आपस में ऐड कर दीजिए, लेकिन याद रहे कि लास्ट से एक नंबर छोड़ के आप इसे ऐड करेंगे। 9022 ये हो जाएगा 47 का स्क्वायर। इसी तरीके से एक नंबर नीचे भी लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन 9 जब भी लिखेंगे तो 2 डिजिट में लिखेंगे, 09, 8 का स्क्वायर 64, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 3 जा 24, 24 टू जा 48, एक डिजिट छोड़ के आप ऐड करेंगे, 9886 ये हो जाएगा 83 का स्क्वायर। इस तरीके से एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें जरूर।